नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और बुलेटिन का आगाज करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। उत्तराखंड के जंगलों में भड़की आग के मद्देनजर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने अगले दो दिन के सभी चुनावी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं। मुख्यमंत्री धामी लोकसभा चुनाव प्रचार को लेकर बीते 8 से 10 दिन से देश के विभिन्न राज्यों में बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे थे। सचिवालय पहुंचकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा के साथ उत्तराखंड में वन अग्नि की घटनाओं पर अंकुश लगाने को लेकर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अधिकतर क्षेत्र में वन अग्नि की घटनाओं पर नियंत्रण कर लिया गया है और जिम्मेदार अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। तो वहीं मुख्यमंत्री धामी आगामी 10 मई से चार धाम यात्रा के लिए अधिकारियों को उन्होंने निर्देशित भी किया। तो वहीं उत्तराखंड में वन विभाग ने जंगल की आग पर काबू पाने में लापरवाही बरतने पर 17 कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। 17 कर्मचारियों में से 11 को निलंबित कर दिया गया। आपको बता दें कि सचिवालय में वन अग्नि नियंत्रण के संबंध में पूर्व में दिए गए निर्देशों की समीक्षा करते हुए लापरवाही बरतने वाले वन विभाग के 17 अधिकारियों और कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की गई। तो वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश में बढ़ रही जंगल में आग की घटनाओं को रोकने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं को भी परखा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्थानीय जंगल में बिखरी हुई पिरूल की पत्तियों को एकत्रित करते हुए जन जन को इससे जुड़ने का संदेश दिया। सीएम ने कहा कि पिरूल की सूखी पत्तियां वन अग्नि का सबसे बड़ा कारण होती है। मेरे प्रदेश की समस्त जनता से अनुरोध है कि आप भी अपने आसपास के जंगलों को बचाने के लिए युवक मंगल दल, महिला मंगल दल और स्वयं सहायता समूहों के साथ मिलकर बड़े स्तर पर अभियान में जुटे। रूटा के लिए फाइल लाइन बनाने के लिए तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद स्थानीय जंगल में पहुंचकर जनता को संदेश दिया है। दरअसल ये बहुत जरूरी है, एक विकट परिस्थितियों में जन भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि जिस काम को करने में ज्यादा समय लग रहा है उस काम को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। और जिस तरह से वन अग्नि की घटनाएं बढ़ रही थी हाल के दिनों में, जिस पर अब काफी हद तक काबू पाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ जगहों पर ये मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ने जो संदेश देने का काम किया है उसका सीधा संदेश यही है कि सभी लोग आपस में जुड़ें और फिर मिलकर एक अभियान चलाया जाए जिसके तहत जो जंगल सुलग रहे हैं उनको रोका जा सके। तो वहीं उत्तराखंड में चार धाम यात्रा 2024 शुरू होने में सिर्फ दो दिन बचे हैं। 10 मई को सुबह 7 बजे अक्षय तृतीया पर सबसे पहले केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। तो वहीं बाबा की पंचमुखी डोली ने अपने तीसरे पड़ाव की ओर प्रस्थान किया। भगवान केदार की पंचमुखी डोली ने फाटा से तीसरे पड़ाव गौरा माई मंदिर गौरी कुंड के लिए प्रस्थान किया है। फाटा से प्रस्थान होते समय जगह जगह श्रद्धालु और स्कूली बच्चों ने बाबा केदार का जयघोष कर पुष्प वर्षा की। आपको बता दें कि भगवान केदारनाथ की चल विग्रह उत्सव पंचमुखी मूर्ति की देव डोली को श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्वयंसेवक और हकहकुकदारी नंगे पैर पैदल चलकर शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ से श्री केदारनाथ धाम तक पहुंचाते हैं। क्रम में भगवान शिव अपने पड़ाव ग्राम फाटा से
वहीं उत्तराखंड में चार धाम और पर्यटन सीजन शुरू होने वाला है, जिसको लेकर परिवहन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि मसूरी और आसपास के क्षेत्र में रश ड्राइविंग और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिसको लेकर ARTO राजेंद्र विराटिया की तरफ से मसूरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। पिछले दो दिनों में उनकी तरफ से करीब 90 वाहनों के चालान किए गए हैं और 6 टैक्सी स्कूटियों को सीज किया गया। विभाग ने इस बार जो है चारधाम के लिए जो है अपनी एक चेक पोस्ट को टारगेट पर स्थापित की है, साथ साथ जो है विभिन्न यात्रा मार्गों पर जो है हमने जो है परिवर्तन दल जो है लगाए हैं, जो है वाहनों को जो है रोक करके चेकिंग भी कर रहा है। सभी वाहनों को जो है रैंडम चेक किया जा रहा है, जिस भी वाहन में किसी भी वाहन की पेपरों की अनियमितता पाई जा रही है तो उनके ऊपर परिवर्तन कार्रवाई की जा रही है, उनको सीज किया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले तो कोई भी बस अगर यात्रा में जा रही है तो सबसे पहले RTO ऑफिस में उसको जो है ग्रीन कार्ड बनाते समय उसकी फिटनेस, उसके जो फिजिकली वेरिफिकेशन किया जा रहा है, क्या वो बस जो है यात्रा में चलने के लिए सही है, तो सबसे पहले हमारे RA टेक्निकल जो है उस बस को फिजिकली चेक करते हैं। उसके बाद उसका ग्रीन कार्ड बनाया जा रहा है और जब वो पूरी तरह से पेपरों के साथ और फिजिकली सही है तब उसको जो है यात्रा के लिए भेज रहे हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, जहां अयोध्या में उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो चुका है। भूमि के आवंटन से जुड़ी सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए उत्तराखंड सरकार ने अयोध्या में आवंटित भूमि की रजिस्ट्री अपने नाम करा ली है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने अयोध्या में राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार जताया और कहा कि अयोध्या में बनने वाले उत्तराखंड राज्य अतिथि गृह का लाभ अयोध्या दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को मिल पाएगा। अयोध्या में आपको भवन की जमीन मिल गई है और मैं इसके लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, उनका धन्यवाद करता हूं कि उनकी सरकार ने हमको यहां पर अयोध्या में जमीन आवंटित कर दी है और जल्दी ही हमारा एक अच्छा भवन वहां पर बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के श्रद्धालु, हमारे तीर्थयात्री जो भी भगवान राम के दर्शन करने जाएंगे तो हमको एक अच्छा स्थान अयोध्या में होगा, तो लोगों को वहाँ पर एक स्थान मिल पाएगा और निश्चित रूप से सही प्रकार से लोग दर्शन कर पाएंगे, तो जल्दी ही DPR बनाई जाएगी और अच्छा भवन बनाया जाएगा। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन स्तर पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और नगर क्षेत्र निवासियों को मतदान लिस्ट में नाम जोड़ने और निधन हुए व्यक्तियों के लिस्ट से नाम काटने के लिए BLO को निर्देशित किया गया। आपको बता दें कि निकाय चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग की ओर से हो रही है और स्थानीय प्रशासन को निर्देशित कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने की बात कही गई है, जिसके बाद निर्देशों का पालन करते हुए काशीपुर प्रशासन लगातार वोटर लिस्ट में नए वोटरों का नाम दर्ज करने के साथ साथ मतदाता सूची को अपडेट भी कर रहा है। हम काशीपुर जो चुनाव होना है, आगामी जो चुनाव होना है नगर निकाय का, उसमें नगर निगम काशीपुर में 160 बूथ हैं, पिछली बार 135 बूथ थे, इस बार 25 बूथ बढ़ाए गए हैं और 150,422 वोटर अभी तक हैं। और जो इस राज्य प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार इस हफ्ते जिनके नाम जुड़ने हैं, जिनके नाम उसमें वोटर लिस्ट में जुड़ने से रह गए हैं, उनके नाम जुड़ने के लिए स्पेशल कैंपेन चलाया जा रहा है। इसमें सारे BLOs को डायरेक्शंस दिए गए हैं, सुपरवाइजर्स को डायरेक्शंस दिए गए कि अपने अपने बूथों में बैठ के सभी जो छूटे हुए नाम हैं उनका नाम जोड़ें या फिर जरदर हो गया तो उनको संशोधन करें। और ये काम अभी BLOs और सुपरवाइजर कर रहे हैं तथा बीच बीच में हमारे स्तर से, हमारे नायब तहसीलदार कानून गोय, मेरे स्तर से इसमें निगरानी की जा रही है। लक्सर में तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम ने अभियान चलाया और इस अभियान के तहत नगर से अतिक्रमण को हटाया गया, तो वहीं दुकानों पर प्रतिबंधित प्लास्टिक की पन्नियां मिलने पर कार्रवाई भी की गई। आज भी दोनों जगह चलती है, इसमें DM साहब ने स्पष्ट रूप से कि बरसात से कोई अतिक्रमण है या कहीं कोई अतिक्रमण है, तालाबों के अतिक्रमण है तो उसको हटवाना है, उसी के दृष्टि से अतिक्रमण हटा रहे हैं और साथ साथ जो नाला सफाई है उसको भी उसको करवाएंगे ताकि
उधर सरोवर नगरी नैनीताल विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की सुंदरता का हर कोई दीवाना भी है। यहाँ के सुंदर पहाड़ और नैनी झील को देखने के लिए देशी नहीं बल्कि विदेशों से भी पर्यटक रुख करते हैं, लेकिन इस साल पड़ रही भीषण गर्मी और बारिश नहीं होने के चलते नैनीताल झील का जलस्तर 1 फीट 11 इंच पहुंच चुका है, जिससे झील को देखने आए पर्यटक भी काफी मायूस हैं। पिछले साल के से अगर तुलना की जाए तो इस साल हमारे बरसात के बाद कम बारिश हुई है। इसका प्रभाव ये पड़ा है कि जहां पिछले साल इन दिनों झील का स्तर 4 फीट के लगभग रहता था, इस बार 1.88 पे जाके गिर गया है। तो अगर बारिश नहीं होती है तो संभावना है कि ये जलस्तर और नीचे चला जाएगा। इसमें जब भी ज्यादा कम हो जाता है तो हम इनसे आग्रह करते हैं जल संस्थान से कि थोड़ा पानी इसमें कम झील से उठाएं ताकि इसका स्तर भी थोड़ा सा ठीक बना रहे। तो वहीं हल्द्वानी में NHAI का एक और नया कारनामा सामने आया, जहां गौरव पड़ाव क्षेत्र में बन रही NHAI की रोड में बड़ा घपला निकलकर सामने आया है। पूर्व में चिन्हित किए गए स्थान के अलावा NHAI और कार्यकारी संस्था के कर्मचारी हाईवे के आसपास के घरों में भी निशान लगा रहे हैं और ग्रामीणों को घर खाली करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अपना विरोध दर्ज कराया। आपको बता दें कि गौरव पड़ाव में आयोजित एक संयुक्त बैठक में ग्रामीणों समेत NHAI के अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक सहित जिला प्रशासन के प्रतिनिधि शामिल हुए, जिसमें पूरे विषय को लेकर बातचीत की गई। तो वहीं प्राण क्लियर हज हाउस में हज यात्रा 2024 के लिए चयनित हज यात्रियों का टीकाकरण और अक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हरिद्वार जिले से हज यात्रियों ने बढ़ चढ़कर टीकाकरण कराया। प्रशिक्षणकर्ताओं ने हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के दस्तावेजों की जांच भी की। इसके बाद एक एक कर जिले भर से हज यात्रा पर जाने वाले यात्रियों का टीकाकरण हुआ। हमारे यहाँ पर जो आज पिराने कलियर में जो हरिद्वार जिले के जो हाजी हैं, उनके लिए टीके का काम किया गया है, कार्यक्रम किया गया है और इनको ट्रेनिंग का काम किया गया है कि वहां पर किस तरह से आपने हज में अपने अरकान पूरे अदा करने हैं, किस तरह से वहां पर रहना है, किस किस तरीके से हमें अहराम से लेकर मक्का शरीफ में और मदीना मुनव्वरा में रहना है, वो तरीके से चीजें समझाई गई। आज लगभग हरिद्वार जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उसके लगभग हमारे टीकाकरण का कार्यक्रम हुआ है। उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा 10th और 12th का परिणाम सामने आ चुका है, जिसमें इस परिणाम में किसी ने उत्तराखंड में अपने स्कूल का परचम लहराया तो किसी के घर पर मायूसी भी रही और किसी स्कूल में 100% परिणाम भी आया है। उन्हीं में से एक काशीपुर में अजय भरतियां सरस्वती विद्या मंदिर है, जहां 10th क्लास का रिजल्ट 100% रहा और अधिकांश प्रतिशत फर्स्ट डिवीजन है। इस दौरान बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम मल्होत्रा ने विद्यार्थियों को सम्मानित किया। इस विद्यालय में अजय भरतिया विद्या मंदिर में जो है वो अभी जो हाई स्कूल का रिजल्ट आया है उत्तराखंड का, उसमें हमारे 11 बच्चों ने जो है फर्स्ट क्लास प्राप्त की है और एक बच्चे ने हमारे यहाँ 16वां स्थान उत्तराखंड में प्राप्त कराया है। तो उन मेधावी बच्चों का हमने यहाँ पर एक सम्मान समारोह और एक हमारा जो शिशु भारती है उसका हमारा आज शपथ ग्रहण समारोह भी था। दोनों कार्यक्रम आज हम लोगों ने यहाँ पर करे और आज हमारे विद्यालय के लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमें विद्यालय को हमने जो है वो हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम भी करा है। और अब एक नजर 2 मिनट में 10 बड़ी खबरों पर। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की सुगबुगाहट तेज, कांग्रेस ने पार्षद पद की दावेदारी के लिए आवेदन लेना किया शुरू। उत्तराखंड के लिए गौरव का पल, कांस फेस्टिवल में प्रदर्शित होगी हिंदी फिल्म हमारे 12, BKTC अध्यक्ष फिल्म के क्रिएटिव डायरेक्टर। हरिद्वार के गांव में 13 फीट का विशालकाय अजगर पाया गया, अजगर को देख छूटा लोगों का पसीना, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट, पहाड़ी इलाकों में बदला मौसम का मिजाज। देहरादून में कैंप के दौरान दवा की डोज पीने से 12 बच्चे हुए बीमार, दून अस्पताल में हुआ बच्चों का इलाज।
देहरादून में आरटीओ प्रशासन ने परिसर में किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के दिए आदेश। काशीपुर में सड़कों पर आवारा जानवरों का कहर, जिम्मेदार अधिकारी नहीं ले रहे सुध। देहरादून में पटाखा फैक्ट्री में लगी आग, मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम, कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। चंपावत में एक बार फिर शुरू हुआ गुलदार का आतंक, स्कूटी सवार दंपत्ति पर किया हमला, अस्पताल में कराया भर्ती। उत्तराखंड बोर्ड के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के लिए शुरू हुआ परीक्षा सुधार आवेदन, हाई स्कूल में दो विषयों में कर सकते हैं सुधार के लिए आवेदन। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, आप देखते रहिए जनता टीवी।